वर्कआउट वन फर्स्ट सम सेकंड सम थर्ड सम फोर्थ सम एंड फिर फाइव सम हमने बोर्ड किया था ना, ये भी डिपोर्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड 3.4 सम नंबर 6 7 एंड 8 सी। अभी सम नंबर 6 क्या है, ये टाइमर दिया हम लोगों को डब्ल्यू एक्स जेड करेक्ट, वाई जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स डब्ल्यू, एक्स की परपेंडिकुलर टू वॉट टू डब्ल्यू वाई, ये भी 90 है ये भी 90 डिग्री है, प्रूफ करने का है एक्स डब्ल्यू जेड पी टी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल करेक्ट, प्रूफ करने का है एक्स जेड टी वाई ये चारों जो पॉइंट्स है आर कॉनसाइक्लिक, कॉनसाइक्लिक का मतलब होता है दिस पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल करेक्ट। सो सिंपल सम सी, तो कैसे करेंगे हम सी फॉर शॉर्ट व्हाट डब्ल्यू जेड पी ये एंगल और डब्ल्यू टी पी ये दोनों एंगल, दिस टू एंगल्स आर व्हाट 90 वाई गिवन, ये दो एंगल 90 गिवन, दोनों को ऐड करो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल 90 प्लस 90 तो बोथ आर इक्वल, तो 90 प्लस 90 इज इक्वल टू व्हाट 180। नाउ अगर ये दोनों एंगल 180 है, दिस एंगल 180, दिस टू एंगल्स आर व्हाट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, व्हेन दिस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर 180 सप्लीमेंट्री देन द कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा WZPT is a what? Cyclic quadrilateral. Converse of cyclic quadrilateral theorem से, by converse of cyclic quadrilateral theorem, WZPT is a cyclic quadrilateral. यानी दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है 180 का। तो सप्लीमेंट्री हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सेकेंड पार्ट क्या है दोस्त, प्रूफ करने का है X Z T Y ये दोनों कौन साइक्लिक है सी। Now, X, Z, Y, T, Y, T, X, both are what? 90, ये भी 90, ये भी 90 है, give it, see, now, point X and Y, ये जो X, Y है, this, ये X and Y है, on line X, Y, point X or Y, on line X, Y, subtend equal angles at two distinct points, मतलब, ये angle को इधर subtend करो, ये angle subtend करो, we'll subtract this angle, these two angles are what equal? ये दोनों angles equal है, at two distinct points of point Z और T के पर, Z पे भी 90 degree है, और T के पर भी वो 90 degree है, on the same side of what XY, see ये X और ये Y है, इसको subtract करो, T, इसको subtract करो, Z, इसको subtract करोगे, ये 90 हो गया, ये मिला अपने को, ये angle 90 मिला अपने को, इसको सबट्रैक्ट करो ये एंगल मिला हमें को 90 सी लेकिन बोथ द एंगल्स आर सबट्रैक्ट ऑन द सेम लाइन ऑफ व्हाट एक्स वाई ये लेन है और बोथ द एंगल्स आर सबट्रैक्ट ऑन द सेम लाइन ऑफ व्हाट एक्स है सेम साइड ऑफ व्हाट एक्स वाई सो दिस फोर पॉइंट्स आर व्हाट कोलिनियर अगर ये फोर पॉइंट्स कोलिनियर है सो पॉइंट एक्स जेड टी वाई आर व्हाट कॉनसाइक्लिक इज नॉट कोलिनियर इट्स व्हाट कॉनसाइक्लिक are con so these all the four points are what concyclic agar four point concyclic hai therefore x z t y are what concyclic correct right? concyclic matlab hota hai these all the four points the line is what on the circle correct right? this was what about the sixth sum now we'll do what the sum number 7 karenge ye circle hai n m s ye m ye jo vertex hai angle ka is what on the exterior of the circle, circle के बाहर है और ये दो angle है n ये दो arc है ns और ये arc है es they are the intersected arc of what angle m correct so start कैसे करेंगे हम लोग angle vertex m of an angle N M S is on exterior of the circle, correct? N किधर है? N किधर है? Exterior of the circle, correct? और arc E S and arc N S is an
intercepted arc. Both the arcs are called what? Intercepted arc, because both angles, see, both the arcs, correct? They are what? Exactly the same side of what angle, correct? So find the angle NMS is equal to half. जब भी वर्टेक्स बाहर होगा, जब भी वर्टेक्स एक्सटीरियर होगा, ऑलवेज क्या करने का है? मेजर आर्क माइनस माइनर आर्क, मेजर आर्क एनएस माइनस मेजर आर्क ईएस इज इक्वल टू हाफ 125 माइनस 37, ए 125 है, ए 37 है, हाफ इनटू माइनस करो 125 को, 37 से माइनस करो 8188, करेक्ट? क्या आंसर है? 88, डिवाइड करो उसको, देयरफॉर एंगल एन एम एस इज इक्वल टू कितना आंसर? 44 डिग्री, करेक्ट? सो एंगल एन एम एस का मिला हम लोग को 44. जब भी वर्टेक्स एक्सटीरियर होगा तो माइनस करने का, इंटीरियर होगा ऐड करने का. नेक्स्ट हम करेंगे इंटीरियर का सम करेंगे हम लोग. सर्कल ए डी सी ई ऑल द फोर पॉइंट्स ऑन द सर्कल बोथ द कॉर्ड्स दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी. नाउ एक एंगल बनता है ए डी ई, ये दिया 108, इसके ऑपोजिट ए ई एक आर्क है और बी सी एक आर्क है, करेक्ट? नाउ फाइंड करने का आर्क डी सी से व्हेन द वर्टेक्स से सॉल्यूशन करेंगे हम लोग. वर्टेक्स ऑफ एंगल ए बी ई, वर्टेक्स बी ले लो ऑफ एंगल ए बी ई इज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल. वॉट इज बी क्या है? इंटीरियर ऑफ द सर्कल है. सो दो आर्क है, आर्क ए ई एंड आर्क बी सी आर कौन सा आर्क है? इंटरसेप्टेड आर्क. जब भी अगर वर्टेक्स अंदर होगा तो ऐड करने का, कैसे ऐड करोगे? एंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए ई प्लस प्लस मेजर आर्क बी सी हाफ. ये कितना दिया एंगल? 108, करेक्ट? मेजर आर्क सॉरी ए ऑलरेडी दिया हम लोग को इनटू 85 प्लस मेजर आर्क डी सी वी डोंट नो, करेक्ट? फाइंड करने का हम लोग को मेजर आर्क डी सी फाइंड करने का है. सी सॉल्व कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, पहले इसको मल्टीप्लाई करो 108 इंटू 2 इज इक्वल टू 85 प्लस मेजर आर्क डी सी. सो कितना आ गया? 216 इज इक्वल टू 85 प्लस मेजर आर्क डी सी 216 माइनस 85 इज इक्वल टू मेजर आर्क डी सी माइनस करो 216 माइनस 85 1 ये 3 और ये 1 130 120, this is 95 और ये 95 माइनस करो तो कितना आएगा? 21. therefore फाइनल आंसर मेजर ऑफ डी सी इज इक्वल टू 95, राइट? सो टू डी वी आर कम्प्लीटली 121, राइट? सो टूडे वी आर कम्प्लीट वॉट सम नंबर 6, 7 and 8 एंड नेक्स्ट थियरम एंड नेक्स्ट जो भी नोट्स होगा वी लो व्हाट इज द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.